हॉलैंड एंड बिगी के बारे में बात करते हैं, आपको पता ही है कि बिगी को जो इंजरी हुई थी वो उस स्पॉट से हुई थी जब रिंग साइड के ऊपर मूव लगाया था उन्होंने और नेक के बल पर बिगी गिर गए थे। तो इसके ऊपर ESPN को इंटरव्यू देते हुए बिगी ने कहा रिज हॉलैंड के बारे में कि देखो मेरे को अगर ऐसा लग रहा है तुमको कि रिज हॉलैंड से कोई दिक्कत है तो मेरे को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जब WWE के रिंग में आते हैं हमने इस चीज के लिए साइन अप किया होता है कि ये काफी डेंजरस स्पोर्ट है और इन सारी चीजों के लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वो चीज हो गई, लेकिन मैं मरा तो नहीं हूं ना, मैं जिंदा तो हूं और मैं अच्छे से रिकवर भी कर रहा हूं। तो ये जो है बिगी ने बात की, और बिगी के बारे में आपको एक और अपडेट देता हूं जिसे सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे बहुत ज्यादा। बिगी के डॉक्टर्स ने ये बात बताई है कि जो उनकी इंजरी है ना उससे पूरी पूरी रिकवरी हो जाएगी बिगी की, यानी फुल रिकवरी करके बिगी आएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी को इंजरी हो जाती है किसी सुपरस्टार को, तो वो वाला उनका जो पार्ट है थोड़ा सा प्रोन हो जाता है और ज्यादा आगे जाके रिस्क के लिए, लेकिन बिगी के केस में ऐसा नहीं है, उनकी जो रिकवरी है पूरी हो जाएगी। और इवन गाइस एक अपडेट ये भी बिगी के बारे में कि जो WWE ट्रायआउट्स करने वाली है ना, जहां पर WWE नए टैलेंट्स को रिक्रूट करती है, उसमें भी बिगी अपनी हिस्सेदारी देने वाले हैं, यानी कि नए टैलेंट्स बनाने का काम भी बिगी करेंगे इस टाइम में जब तक वो WWE के अंदर नहीं है। तो बढ़िया चल रहा है भाई बिगी का, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात है नहीं, और बहुत जल्दी जो है आपको वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्सट्रीम रूल्स का पोस्टर मैंने आपको काफी टाइम पहले दिखाया था, WWE ने इसको रिसेंटली ट्वीट भी किया जहां पर वो कह रहे हैं कि भैया प्री सेल कोड ये है, निकाल लो अपने टिकट्स वगैरह। तो इसके ऊपर फैंस नोटिस कर रहे हैं, जो कि हमने भी पहले से कर लिया था, कि ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस कहीं पर भी नहीं है। तो फैंस यहां पर डिसअपॉइंटेड है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कुछ फैंस यहां पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्योंकि यहां पर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस पे से कोई नहीं है, ड्रू मैकइंटायर है, और ये प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कासल के बाद है क्योंकि अक्टूबर के अंदर ये है। तो क्या ड्रू मैकइंटायर के पास तब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगी, इसलिए WWE ने उनको इस वाले ग्राफिक के ऊपर फीचर किया हुआ है? वेल, ये पॉसिबल भी है काफी हद तक, क्योंकि क्लैश एट द कासल जो कि ड्रू मैकइंटायर के घर में हो रहा है प्रीमियम लाइव इवेंट, वहां पर रोमन रेंस के साथ वैसे तो अभी ब्रॉक लेसनर ही थ्रेट है, तो क्या पता अभी क्या सीन बनता है आगे जाके। तो फैंस यहां पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ड्रू मैकइंटायर का यहां पर फीचर होना ये एक साइन हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बनने वाले हैं। क्या आप भी इस बात के साथ अपने कुछ सिमिलर थॉट्स रखते हो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैक्सिमम मेल मॉडल्स जो कि सबसे बड़ी वेबसाइट है अपना मॉडल्स में करियर आगे बढ़ाने के लिए, जो कि WWE नया धंधा चालू किया, मैक्स रूपी जो है इसके सरताज बने हुए हैं। तो मैं आपसे कहने था कि WWE जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशंस ले रही है कि हाँ भैया तुम आ जाओ, मॉडल्स वगैरह तुम जो भी हो हम तुम्हें देखेंगे। तो मैक्स रूपी ने उन फोटोज को रिव्यू किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, आप लोग यहाँ पर एक के बाद एक फोटोज देख सकते हो जो कि एप्लीकेंट्स ने भेजी हुई है। और मतलब यहाँ पर मैक्स रूपी सच में बता रहे हैं, वो कमियां बता रहे हैं इसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है, और उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मैक्सिमम मेल मॉडल्स वाले क्लब के लिए तुम्हें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सही सा दिख रहा है, फिर उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, फिर वो उस लायक हो जैसे कि मासे और मंसूर दिख रहे हैं जैसा वो कहते हैं, और यहाँ पर हर किसी के नेम को भी चेंज कर रहे थे। आई थिंक उनका भी किसी से कनेक्शन है जिसको नेम चेंज करने में मजा आता है उससे। तो ये कहानी चल रही है, मुझे ये WWE किस लेवल तक कहाँ तक घसीट के लेके जाने वाली है मुझे नहीं पता, बाकी चल रहा है मैक्सिमम मेल मॉडल। अगर आपको भी है इंटरेस्ट तो कर लो साइन अप, और क्या पता आपके भी ऐसे फोटो वगैरह दिखा दें, या क्या पता WWE TV पर ही दिखा दें जब मैक्सिमम मेल मॉडल्स का शो चल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दो कैनेडियन अल्फा मेल्स के बारे में, और मैं ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर एक नाम है उसमें आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा, दूसरा नाम है सैमी ज़ेन का। तो अभी आपको बताइए 12 जुलाई को जो है ब्रॉक लेसनर का जन्मदिन गया है, सबने ब्रॉक लेसनर का जन्मदिन याद रखा इंक्लूडिंग मी, लेकिन एक का किसी ने याद नहीं रखा और वो है सैमी ज़ेन का। तो सैमी ज़ेन और ब्रॉक लेसनर दोनों का जो जन्म हुआ है वो सेम डे को हुआ है, और उसी बात को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जो दो कैनेडियन अल्फा मेल्स हैं वो सेम डे पर अपना जो जन्मदिन है उसको शेयर करते हैं, और यहाँ पर वो ये भी बात करते हैं जो samiforsyria.com करके डोनेशन वगैरह नहीं करते उस दिन वो उसको जो है डबल कर देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रॉक लेसनर है वो भी चाहता है कि तुम डोनेट करो। इवन WWE एंड फॉक्स ने तो एक फोटो भी पोस्ट करी जहां पर आप देख सकते हो कैनेडियन ब्रदर्स करके ये ग्राफिक है, और यहाँ पर मतलब फोटो देखो यार, आप ब्रॉक लेसनर कैसे इमेजिन करो, ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन ने एक्चुअल में ऐसी फोटो खिंचा है और वो खड़े हैं, भाई ये तो बहुत ज्यादा फनी लगेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि वो इन दोनों को मिस कर रहे हैं साथ में देखना, वैसे वो सेगमेंट कितना कमाल का था ना जब ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन एक साथ थे, क्या ही केमिस्ट्री थी दोनों की, एक तरफ ब्रॉक लेसनर जो कि बड़े गुस्से वाले रहते हैं लेकिन अब इस वाले कैरेक्टर के साथ थोड़े से खुश मिजाज किस्म के हुए हैं, और सैमी ज़ेन तो अपने हैं ही अतरंगी किस्म के, तो मजा आया था उस सेगमेंट को देखने में, एंड उसी चीज को WWE एंड फॉक्स वाले मिस भी कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो का ब्रेकअप अब हो रहा है। अब ये चीज मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले भी कही थी कि अब तो हो ही गया ब्रेकअप, बस समझ लो अब आ गया तब आ गया, लेकिन वो रिपोर्ट्स वहां पर सही नहीं हुई, बट अब फिर से यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब तो इनका ब्रेकअप होने वाला है, मतलब अब ये हो ही गया। अब पता नहीं ये ब्रेकअप की रिपोर्ट्स मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियोस की ये गड़बड़ क्यों हो जाती है,
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल अपना ट्रिगर पुल करने ही वाली होती है, लेकिन रे मिस्ट्री ने इस बात को अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि यार मुझे ये ब्रेकअप वाली चीज पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ ही मैं रहूँ, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जाके मैं कैसे फ्यूड करूंगा इसका मुझे नहीं पता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है, बट अब जिस तरीके से जजमेंट डे दिखा रही है मिस्टीरियोस को और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को, आई थिंक अब यहाँ पर रे मिस्ट्री भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और बहुत जल्दी आपको उनका ब्रेकअप वाला सीन जो देखने को मिल जाएगा समर स्लैम आ रहा है, तो शायद इसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान कर लेगी। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली है रोमन रेंस के लिए। वैसे तो जब कोई बंदा स्टैट बनाता है रिकॉर्ड बनाता है तो उसकी वाह वाही होती है कि अरे वाह भाई उसने क्या काम किया है, लेकिन ये रोमन रेंस का स्टैट काफी ज्यादा फैंस को इस बात पर सोचने मजबूर कर रहा है कि क्या एक्चुअल में ये चीज लायक भी है जो चल रही है, मतलब ये क्या एक्चुअल में खुशी मनाने वाली बात भी है। तो होता क्या है, रोमन रेंस के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 डेज एज डब्ल्यूडब्ल्यूई वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो है वो जब से बने हैं, तो अब इसके ऊपर क्या बातें बन रही है। 100 दिन हो गए, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक बार रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंस किया अपने इस पूरे 100 दिनों में, जब उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात होती है, वो भी किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं बल्कि स्मैकडाउन के शो पर, जब उन्होंने रिडल के सामने चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। तो काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंस का रेंज तो बहुत बकवास हो गया, अभी बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसको देखने में मजा नहीं आ रहा। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? वेल, अगर मैं आपको खुद से इसके ऊपर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप्स हैं तो उसके हिसाब से उनको टेलीविजन पर तो ज्यादा से ज्यादा आना ही चाहिए, बल्कि स्टोरी लाइंस को भी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरी चैंपियनशिप का बर्डन या फिर उसका जिम्मेदारी भी है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया बंदा ये तो मतलब ब्रॉक लेसनर को भी पीछे छोड़ गया रोमन रेंस, जो पार्ट टाइमर वाले ब्रॉक लेसनर हुआ करते थे, कम से कम एक चैंपियनशिप लेके 100 दिन में तो आ ही जाते थे, यहां पर ये भी रोमन रेंस है लेकिन सिर्फ एक बार डिफेंड हुई है, मतलब 3 महीने में कह सकते हैं ये एक बार चैंपियनशिप डिफेंड हुई है। तो इस वजह से फैंस काफी ज्यादा नाखुश है इस चीज को लेकर कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देने के बाद से रोमन रेंस का बिल्कुल बकवास कर दिया है मामला, या फिर हम कह सकते हैं रोमन रेंस ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसकी वजह से ये हुआ है। बट डिसअपॉइंटिंग जरूर है, भले आप कितनी बड़े रोमन रेंस के फैन हो, मैं रोमन रेंस को कितना पसंद करता हूं, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि 2 चैंपियनशिप किसी बंदे के पास है तो इससे बेटर बुकिंग उसकी होनी ही चाहिए थी। और ये 2 चैंपियनशिप कोई यूनाइटेड स्टेट्स या इंटरकॉन्टिनेंटल या फिर टैग टीम के साथ कोई नहीं है, बल्कि ये है चैंपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो डिसअपॉइंटिंग बात तो यह है और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे कुछ बेटर करना चाहिए था। बाकी क्या आपको लगता है इसके बारे में पूरा सीन मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।